मैं तो छोटा तब्बा रह गया तो बाबा बन रहा बाबा मारे माता पिता याद आवे नाम ना तो मार लगा उसने नूका मैं बाबा ने देऊंगा मैं दे आया मैंने वोट रखा था पहला मार लग कोई जिक्रा नहीं मार गल तो बोलता ही कोनी हो। ये घर है उनका एक गेट ये है और एक गेट ये है ये बंद है सुबह से। भाई फिलहाल हिसार के पबड़ा गांव के अंदर मौजूद हैं और कल मेरे चैनल पे आपने एक वीडियो देखी होगी 4 साल के छोटे से साधु बाबा की। उसमें वो कह रहा है कि जो बाबा जी बोल रहे हैं माँ बाप ने अपनी मर्जी से इस बच्चे को साधु बनवाया गया था, मतलब कि बाबा बनवाया गया था। लेकिन मेरे पास जो है बहुत सारी कॉल्स आ रही थी, मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आ रहे थे कि उस बच्चे की सच्चाई कुछ और है, लेकिन वास्तव में सच्चाई कुछ और है। हमने पता किया, आपको सारी बात बताएंगे। फिलहाल मैं पहले आपको उनका घर दिखा देता हूँ। उसके माता पिता कहाँ रहते हैं मैं आपको वो दिखा देता हूँ। एक बार आके चलो मेरे पास। ये कौन सा मोहल्ला है जी? हाँ, दासू मोहल्ला कहते हैं। चमार दासू मोहल्ला के अंदर हम मौजूद हैं। उस बच्चे का पहला घर दिखाऊंगे आपने, लेकिन सच्चाई कुछ और है। सच्चाई तक बने रहना वीडियो के लास्ट में। ये घर है उनका एक गेट ये है और एक गेट ये है, ये बंद है सुबह से। उसके माँ और बाप यहाँ कह रहे हैं पड़ोसी की नहीं है ये। आप एक बार आ जाओ जी, आप आ जाओ एक बार। सुबह से उसके माँ और बाप देखे नहीं गए हैं। माँ बच्चे की गूंगी है और एक बच्चा उसका एक भाई और है। अब सारी बात बताएंगे आपको, क्या सच्चाई है उसके पीछे क्या कुछ है। जो फिलहाल उस बच्चे के ताऊ जी हमारे साथ जो बाबा बना हुआ है। हाँ, उसका ताऊ हूँ मैं। किस तरह परिवार है कि नहीं, सच्चाई कुछ और है? क्या सच्चाई है उसके बारे में कुछ बताओगे? सच्चाई केस है ये तो बंदर रहे से सामना ना जे तड़कन भी जे सामना है। उसका पापा छोरा का पापा? हाँ, छोरा का पापा। और वह से गूंगी। अच्छा, उसकी मार भाषा है कौन समझ मान दी के कहे के ना कहे। छोटा बच्चा है उसका गला है। उसने सारा दुफारा बाहर घुमा दिया अंडे से, रोटी पानी मन करे भूखा है बना अंडे से। अच्छा। मन करे दिन सिपिया पाछा आवे फिर आए कि रोटी बनाओ ये। अच्छा। है तो बाबा तो क्यों दिया? कुछ छोरा कुछ पता चला हो या कुछ आप तो बात करी हो, आपने पता उस बात का? नाम ना तो मार लग उसने नूका मैं बाबा ने देऊंगा मैं दे आया मैंने वोट रखा था पहला मार लग कोई जिक्रा नहीं मार गल तो बोलता ही कौन हो। अच्छा, मार गल बोल बतला कोई नहीं उसकी। बल्कि मारे गल तो गूंगी लड़ाई करवाई दे टैटा टैटा करवाए कि उसकी बका मैं क्या और मारे गल लड़ाई कर ले अरे लोग तमाशे देखे से। फिर उसकी माँ ने बेरा उसका बच्चा दे दिया? इसकी माँ ने तो बेरा है बाबा का गया नहीं, मतलब उसकी माँ की सहमति थी के? हमने की बेरा इस बात का, इसकी माँ की सहमति थी इस बात का, तो हमने कौन बेरा, हमें कुछ दो रहे थे उसके नहीं। जो ये भी सुन मार है कि ईंट मार दी बात जी उसकी मम्मी बाबा का नहीं? हाँ, बाबा भी कहता उड़ा है खाड़ा में कह रहा था। वो गाड़ी में चढ़ा गले जिन ईंट लेके गला पड़ी थी गाड़ी के। अच्छा, हैं ये फिलहाल कड़ा पाओगे कट जा रहे हैं जी? ये ओड़ा बसंती पे पाओगा ये माता पे ओड़ जा रहे कौन लेनी। हाँ भाई, सच्चाई कुछ और निकली है जो फिलहाल पड़ोसी बता रहे हैं कि हम माता जी तो और जानने की कोशिश करेंगे जी। क्या कुछ कहना चाहोगे जी, बोलोगे जी कुछ? तो भाई पूरा पड़ोस है जो बात करने के लिए तैयार नहीं है। परिवार जो है कुछ और डर का बताया जा रहा है, मतलब किसी और तरह का परिवार है। उनके पिताजी जो है बाहर रहते हैं सारा दिन और माँ उस बच्चे की गूंगी है, उसका एक भाई और है। लेकिन परिवार में जहाँ तक लगता है शिक्षा की कमी के कारण, ये बात सारी शिक्षा की कमी के कारण है। अगर शिक्षा होती तो ये काम सारे नहीं होते। और जो है एक बार वहाँ जा के पता करेंगे उसके माँ बाप कहाँ हैं, फिर आपको सारी जानकारी बताएंगे। भाई काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी है हमने उस बच्चे के माँ बाप ढूंढने वास्ते। पहले हम घर भी गए थे, अब तक वीडियो दिखाई थी। अब जो है जहाँ उसके माँ बाप उरा आए करें, बसंती माता है गांव की, उरे रह करें। या आप जो पीछे देखने लग रहे हो इस बच्चे की माँ है, वह जो 4 साल का बच्चा जो बाबा बनाए रखा है, बाबा को पचड़ा रखा है, वो उसके बाप की वो हैं, मतलब उसके पिता ने चढ़ाया था वो। हालांकि ये महिला गूंगी है, बोल नहीं सकती ज़्यादा, सुन नहीं सकती। एक छोटा बच्चा देख रहे हो, ये उसका भाई है। आपके बच्चे के बारे में पता आपने? बाबा बन रहा बाबा मारे मेरा
उसको तो मारे बैठ गया लेन गई थी डेरा में, बच्चे ने लेन गए थे डेरा में। है, है फिर कोनी पाया उड़ो मैं कोनी तारी है तो पाई जा भाई मारा कुछ समझ में नहीं आ रहा। हालांकि इसकी ममता माता की मतलब बहुत कुछ बोल रही होगी भीतर कि वो मेरा छोरा दे दिया, उसके पापा ने दिया है वो, लेकिन हम इसकी भावना को समझ नहीं पा रहे। कड़ा है, कड़ा है, तुम बुला ले आओ जाए आप साल पड़ा उड़ा है न्यू ना बताइए। मीडिया वाले आ रहे हैं, मीडिया वाले ना कहिए। हाँ जी इसका घर आला समझ सका, इसकी भाषा आप नहीं समझ सकते। अच्छा आपने कुछ बेरा उस बच्चा के बारे में जो देर खाई थी, कैसा कुछ बाबे बयाना दे रखे है क्या? ठीक बात है बाबा ने देना बच्चा, बाबा ने देना गलत है। एक माँ बाप अपने बच्चा ने 4-5 साल तक पढ़ा है, बहुत जोर लगा पढ़ने में आपने पता, फिर क्या अगर नहीं पढ़ा तो बच्चे भाई उड़ दे दो बाबे के कुछ के? ठीक बात है सही नहीं काम कर ला रहे अभी सुतरी दिहाड़ी कर रहा है के कर रहे हम बाप के दिहाड़ी दूड़ कर ले है या डरे बेचारी या बोली है। एक बार भाई उसका बाप ने बुलाने जा रहे हैं, हालांकि कितना मर्मिक दृश्य आप देख सको हो नू भी सुन में आई है कि भी जो यो माँ है उस बच्चे की, उसने जब पता चला कि बाबे लेके जाने लग रहे हैं तो ईंट मारने भी दौड़ी थी बाबे गाड़ी के पास है। एक माँ की ममता ही कर सके है या ठीक है इसमें कोई कमी को नहीं। अच्छा ये घर आला ना कुछ मेरी ख्याल में उसे ना दिया है नहीं मत किसकी लीजिएगा गलत है। कमी किसमें है? कमी तो उसका घर आला माहौर किसमें है। अच्छा भाई कुछ नहीं खान कमान की वो है भाई, जब कुछ कमाया नहीं जाता बच्चे नहीं पढ़ जाते पहली बात तो जमने नहीं चाहिए। क्यों बच्चा की लाइफ बर्बाद हो है? शिक्षा नहीं दे सकते बच्चे ने बाबा तो मत दो। कल वीडियो डालने के बाद ही मेरे पास बहुत सारे फोन आए कि इस बच्चे की सच कुछ हो रहा है। हालांकि वहां जब मैं गया था उस बच्चे के पास जब माहौल देखा वो सारा अलग था, लेकिन जब मैं गांव में पहुंचा सच्चाई देखी तो यहां कुछ माहौल यहां माहौल कुछ और है। आप कितनी सच्चाई देखो एक बार वीडियो में कमेंट जरूर करियो और वीडियो में शेयर जरूर करियो। एक बार दिखा दिया जाए देख सो भाई कितने मासूम बच्चा है दूसरा भाई उसका, माँ भोली भाली है उनका सही है या, लेकिन माँ की ममता का कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ जी कर ली बात को नहीं बोल जाता इस पर समझ में नहीं आती इसकी भाषा।